अमृतसर से भाजपा सांसद व पंजाब भाजपा के अध्यक्ष श्वेत मलिक ने देश में सेहत बीमा की आयुष्मान योजना लागू करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। साथ ही पंजाब सरकार की निंदा किया कि जिसने इस योजना पर हस्ताक्षर न करके 2 करोड़ गरीब लोगों की जान खतरे में डाल दिया है। वहीं अमृतसर के खन्ना स्मारक में श्वेत मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब सरकार खजाना खाली होने की दुहाई दे रहा है, इससे केंद्र सरकार की योजनाओं को नकारा जा रहा है जिससे नुकसान जनता का हो रहा है और केंद्र के पैसे खराब हो रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा करतारपुर साहब का लांगा खोलने की मांग पर मलिक ने कहा कि ये मांग सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह की नहीं बल्कि देशवासियों की मांग है और इसमें पाकिस्तान की भूमिका ठीक नहीं है, वो आतंकी देश इस बारे में कुछ नहीं कर रहा। पंजाब की जनता नु झूठे वादे करके झूठे लारे ला के सरकार बनाई और हुन 2 साल तो अदृश्य सरकार, अदृश्य मुख्यमंत्री, अदृश्य मंत्री, अदृश्य MLA नजर ही नहीं आते कितने चले गए। अफसरशाही का जराज है, लोकतंत्र की हत्या हो गई है पंजाब के, ऐसी हालत है और आम आदमी का जीना दूभर हो गया। टैक्सा की मार करके इन्होंने आम आदमी को वेंटीलेटर के उत्ते पाता है। मैं अज बड़ा महत्वपूर्ण विषय लैके आया, मैं धन्यवाद करता प्रधानमंत्री मोदी जी का कि उन्होंने दुनिया की दे विच सब तो वड्डी हैल्थ स्कीम, लोगों की जान बचाने वाली स्कीम जी आयुष्मान भारत की स्कीम कल लागू की, असं धन्यवाद करने उन्हों की। पर अफसोस यह है कि 33 स्टेटा ने उस स्कीम लागू की पर इस पंजाब सरकार ने, लोग विरोधी पंजाब सरकार ने स्कीम लागू नहीं की और 2 करोड़ पंजाबी जिदे गरीब ने, मजदूर ने, दलित ने, किसान ने, फौजी ने, महिलावान ने, उन्हों की जान जी है खतरे च पाती है। एक ऐसी अच्छी स्कीम है मोदी साहब की कि जिस स्कीम के 5 लाख रुपए का बीमा हर उस व्यक्ति को मिलेगा जिहड़े बेनीफिशरी ने, 12,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने ये आवंटित किया है स्कीम के लिए और यदा जो कार्ड बनना हैल्थ कार्ड वो लोगों दफ्तर के चक्कर नहीं लाने पैणगे, आधार कार्ड के बेस से लोगों के घर तक कार्ड पहुँचेंगे और कितने भी वो कार्ड ले लो जिसे प्राइवेट हॉस्पिटल भी होंगे, सरकारी हॉस्पिटल भी होंगे, कैशलैस इलाज, भावें तुम्हें दवाई लेनी है, भावें तुम्हें डॉक्टर की फीस है, चाहे थोड़े को टैसट हो रहे हैं, चाहे थोड़ा को ऑपरेशन हो रहा है, हॉस्पिटल ही रहन का प्लस सर्जरी तो बाद ऑपरेशन तो बाद 10 दिन इस हॉस्पिटल तुम होर रह सकते हो। सो एक तरह नाल उन्होंने जान बचाई है, पर अफसोस कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े ने उन्हां दी सरकार ने इस स्कीम ते साइन नहीं किए और 2 करोड़ पंजाबियों का जीवन खतरे च पाता है। मैं उन्हां तो जवाब मंगना कि जब 60% केंद्र देने को तैयार है, 40% अपना हिस्सा बचाने लई तुहानू की हक है कि 2 करोड़ निर्दोष पंजाबियों का जीवन तुसीं खतरे च पा दे। और नाल चेतावनी देंगा मुख्यमंत्री नूं कि जिन्ना भी जानी नुकसान होएगा स्कीम ना लागू करन दा। शुक्र है कि कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उस चिर निद्रा से जागे और आज रैली के लिए निकले। मैं तो स्वागत करना कि कैप्टन साहब निकले दे है कितों महल चो, ना दफ्तर जाते ने ना वो किसी शहर ही जाते ने। मैं ये प्रकाश सिंह बादल जी नूं ये धन्यवाद करांगा कि उन्होंने मजबूर करता कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कि वो अपने महल चो अज बाहर निकले ने 2 साल के बाद, कोई उन्होंने रिस्पोंस नहीं मिलने वाला। पंजाब की जनता पहले जिथे भी रैली करेंगे उन्होंने तो मांग करेगी कि 2 साल पहले जो रैलियां कर गए थी वो जो झूठे वादे लारे गुमराह कर गए थे वह जवाब किसे आनी बिल्ली खंभा नोचे। राहुल गांधी तो आप जमानत से चल रहा है धोखाधड़ी के, भाजपा नहीं है जेडे जमानत से चल रहे, जमानत से तो कांग्रेस ही ने 12 लाख करोड़ के घोटाले किए ने। अज क्योंकि अज वो कांग्रेस मार्जनलाइज हो गई है, मिनीमाइज हो गई है, अज कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है, उस करके राहुल गांधी जेड़ा कि रिजर्व कैटेगरी च, मैं रिजर्व इस करके कहना कि कांग्रेस है जिसे कि प्रधानमंत्री और कांग्रेस के प्रधान का पद जोड़ा है आरक्षित है, एक ऐसे व्यक्ति ने वो दिता हो गांधी परिवार के जिसे कोई गुण ही नहीं है राजकरण का या अध्यक्ष बनन का, पर वो आरक्षित कोटे का फायदा उठाया राहुल गांधी जिहड़ा है जिन्होंने ना कोई समझ है राजनीति की, वो एक हास्यपद जिहा व्यक्ति है और बार बार लोगों के एक हसी का शिकार हो जाता है। आई डोंट टेक हिम सीरीयसली, देश भी वह ना कोई एक स्पैशल रखिया, वो आप ही उन्हें ना ले लिया थी, वो ना भी इस करके रखिया कि उसका व्यवहार हमेशा हास्यपद होता है, वो कितने भी मैच्योरिटी नहीं है जो एक जिम्मेवार पॉलिटिक। जागती लड़के लिए अमृतसर से अमन महल की रिपोर्ट।